हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लवली केक्स। तो चलिए आज हम बना रहे हैं चॉकलेट मूस फ्लेवर 1 kg केक क्रिकेट थीम में। सबसे पहले मैंने यहाँ पर केक को क्रम कोट करके फ्रिज में सेट होने रख दिया था और मैं इसे क्लिंग रैप लगा कर रख देती हूँ जिससे कि हमारा जो केक है वो ड्राई नहीं होगा। अब हमने यहाँ पर फाइनल लेयरिंग करनी है। इसकी फाइनल लेयरिंग मैंने लाइट ग्रीन कलर से की है और मैंने मैजिक कलर की पेस्टल ग्रीन कलर का यूज़ करके ये कलर बनाया है। और अब हम केक के ऊपर डार्क ग्रीन कलर का यूज़ करके एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे और इसे क्रीम से अच्छे से फिल कर देंगे। तो चलिए अब बनाते हैं फोंडेंट बैट एंड बॉल। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर बीच कलर की फोंडेंट ली है और सिंपल तरीके से बैट एंड बॉल यहाँ पर मैंने ऐसे बना लिया है और इसे ड्राई कर लिया है अच्छे से और रेडी है हमारा बैट एंड बॉल। इसी तरीके से मैंने और भी काफ़ी चीज़ें बनाई हैं, तो सबकी तो क्लिप शूट नहीं की है मैंने, सिंपल चीज़ें हैं बाकी। और हमने केक पर ग्रास नूडल का यूज़ करते हुए देखिए ग्रास बना ली है और हैप्पी बर्थडे भी यहाँ पर हमने फोंडेंट की यूज़ से बनाया है। तो 1 by 1 हम सभी चीज़ों को अपने केक पर असेंबल करेंगे। तो इस तरीके से हमने हैप्पी बर्थडे और बर्थडे बॉय नेम लिख दिया है और फिर हम 1 by 1 जो भी हमने फोंडेंट की थिंग्स बनाए थे तो उन्हें हम 1 by 1 प्लेस कर लेंगे। और मैंने यहाँ पे स्टम्प्स को बनाने के लिए टूथपिक का यूज़ किया है और बाकी सारी आइटम्स मैंने सिंपल फोंडेंट से बनाकर अच्छे से ड्राई कर ली हैं। ये बैट्समैन भी मैंने ब्लैक फोंडेंट से बनाया है और इसके पीछे मैंने वाइट मेल्टेड चॉकलेट लगा दी है जिससे ये अच्छे से स्टिक हो जाए। तो रेडी है हमारा क्रिकेट थीम केक इन 1 kg। तो आपको वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए एंड न्यू है इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए इसी तरीके की केक वीडियोस देखने के लिए। और रेडी है हमारा प्यारा क्रिकेट थीम केक। मैंने फर्स्ट टाइम इस थीम का केक बनाया है एंड चलिए इसे पैक करते हैं। तो बॉक्स में हमने इसे पैक कर दिया है और बॉक्स को क्लिंग रैप से भी अच्छे से कवर कर दिया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।